गाइज वेलकम टू माई चैनल अगेन। येस, जो लोग न्यू हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, अभी ही कर दो, वीडियो के एंड तक आप लोग भूल जाते हो। तो सबसे पहले जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जाके बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड सब्सक्राइब हो जाएगा। थोड़ा ही टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और फ्री है ये, सब्सक्राइब करना ये फ्री है तो आप कर सकते हैं। और जिन्होंने किया है प्लीज़ वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और एंड तक शेयर भी कर देना। तो आज की जो वीडियो है वो अगेन रिव्यू वीडियो होने वाली है और आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। सो गाइस, प्राइमर जो है हमारे मेकअप का बेसिक बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है और आई नो कुछ लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, अपने मेकअप रूटीन में इसको ऐड नहीं करते गाइस, बट ट्रस्ट मी ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि हमारी स्किन पे एक बैरियर लगा देता है ये प्राइमर, सो दैट यू नो मेकअप डायरेक्टली हमारे स्किन पर ना जाए और हम इंटरनली ना करें, इसलिए प्राइमर का यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्राइमर आप अपने डेली मेकअप रूटीन में या जब भी आप मेकअप करते हैं उसमें ऐड कर लीजिए। मैंने अभी तक काफ़ी सारे प्राइमर्स यूज़ करे हुए हैं अपनी स्किन पर और बट ये मेरा जो प्राइमर अभी जिसके बारे में मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो फर्स्ट टाइम होने वाला है जो मैंने वाटर बेस्ड प्राइमर यूज़ किया है एंड मैं एक्सपीरियंस आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। लेकिन मैं ये बता दूँ कि हम हमेशा ये सर्च करते हैं, जो लोग प्राइमर यूज़ करते हैं हम मोस्टली ये सर्च करते हैं कि हमारे यू नो बजट में, क्योंकि प्राइमर अच्छे यूज़ करोगे तभी उसका फ़ायदा है और प्राइमर अगर आपका पॉकेट फ्रेंडली होगा, बजट में होगा और अच्छा भी मिल जाएगा तो वो बेस्ट होता है। और गर्ल्स के लिए मेकअप करना कितना इम्पॉर्टेंट है, एज वी ऑल नो अबाउट दिस, गर्ल्स कैन रिलेट विद मी, मेकअप ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप मेकअप कर रहे हो और प्राइमर यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो आपकी स्किन पर डायरेक्टली हार्म करता है और इसका रिजल्ट ना अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। तो प्राइमर बेसिक बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे मेकअप के रूटीन में। तो गाइज यहाँ पे मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ काफ़ी सारे प्राइमर्स मैंने यूज़ करे हुए हैं बट अभी मैं जो रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ वो वाटर बेस्ड प्राइमर है एंड ट्रस्ट मी गाइज बहुत ही अच्छा है। एंड सबसे बड़ी बात, मैं उसको एज अ प्राइमर भी यूज़ करती हूँ और प्लस मेकअप फिक्सर की तरह भी यूज़ करती हूँ, वो दोनों में सुपर निखर के काम करता है, सुपर वर्क करता है, 2-in-1 मैं इसे यूज़ करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो मैं अब इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, सस्पेंस इतना लंबा चौड़ा नहीं रखते हैं, अब हम जिस प्राइमर की बात कर रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, थोड़ी इज्जत दे देते हैं। यस गाइस, तो हियर वी गो। तो आई हैव दिस प्राइमर जो कि है ग्लैम 21 का और इसमें पहले तो लिखा क्या है, जैसे कि मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पहले आपको बता दूँ फिर अपना पर्सनल रिव्यू आपको दूंगी कि मैं यूज़ कर रही हूँ तो हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस, है ना। तो सबसे पहले बता दूं ये जो प्रोडक्ट है ग्लैम 21 कंपनी का है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड अंदर से इसकी बॉर्डर बहुत क्यूट है गाइज, मैं वो बाद में दिखाऊंगी, पर ये जो पहले प्रोडक्ट क्लेम करता है क्या कैसी इसकी पैकेजिंग है वो आप लोगों ने देख ली है और अंदर से बॉटल में थोड़ी देर में दिखाती हूँ क्या ये प्रोडक्ट क्लेम करता है, कौन सी कंपनी है और कितने ml आपको ये बॉटल मिलती है, क्या इसकी लाइफ लॉन्ग है, चलो बात करते हैं। तो ब्रांड नेम इज ग्लैम 21 एंड ये जो प्रोडक्ट है इसका जो नेम है वो है हाइड्रा बूस्ट। अब हाइड्रा आ रहा है तो मीन्स आपके स्किन को हाइड्रेट तो ये करेगा ही करेगा, तो हाइड्रा बूस्ट इसका नाम है और फोटो फिनिश ग्लो प्राइमर वाटर। तो ये इसका है फोटो फिनिश ग्लो प्राइमर वाटर, इसका पूरा नाम यही है, और विद हाइलोरोनिक एसिड। गाइज हाइलोरोनिक एसिड के साथ आपको मिल रहा है जो आपकी स्किन को बहुत सारी चीज़ों से यू नो नुकसान होने से बचाता है। एंड अब अगर मैं इसकी बात कर लूँ ये कितने ml की बॉटल हमें मिलते हैं, अच्छा 100 ml की ये बॉटल मिलती है और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे तो 249 इसका प्राइस है एंड आई गेस फेयर इनफ, प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली 100 ml आपको बॉटल मिल रही है प्राइमर की जो कि आपको फोटो फिनिश लुक देता है। एंड मैं तो इसको नॉट ओनली प्राइमर यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसे 2-in-1 की तरह यूज़ करती हूँ, प्राइमर तो यूज़ करते करती हूँ और लास्ट में मेकअप फिक्सर भी आप इसे यूज़ करते हैं, ये दोनों तरह से, इसमें भले लिखा नहीं है बट ये दोनों तरह से वर्क करता है। ये प्रोडक्ट भी आपको मैं ये बता दूँ कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नो हार्श केमिकल्स, इसमें कोई भी हार्श केमिकल यूज़ नहीं है, तो आपके स्किन के लिए ये ऑल स्किन टाइप सूटेबल है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, वेदर यू हैव ऑयली स्किन,
एक्ने प्रोन स्किन, ड्राई स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन, एंड स्पेशली ये जो बेस्ट रहेगा ना, ये जिसकी स्किन ड्राई रहती है ना उसके लिए तो सबसे बेस्ट है. बट मेरी आई हैव ऑयली स्किन, बट ये मेरे पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है. तो व्हाट इज इट, तो ये क्या करता है, पहले तो ये बता देते हैं इस प्रोडक्ट में क्या लिखा है. प्रेप योर स्किन फॉर अ मेकअप लुक विद द ग्लैम 21 हाइड्रा बूस्ट फोटो फिनिश ग्लो प्राइमर वाटर. दिस प्रोडक्ट हैज बीन इंफ्यूज विद द गुडनेस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड टू अवेकन टायर्ड डल स्किन एंड गिव इट अ बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन. यूज इट एज अ मिस्ट टू रिफ्रेश एंड सूद योर एग्जॉस्टेड स्किन. तो अगर आप थोड़ा सा स्किन आपकी टायर्डनेस फील करती है, एग्जॉस्टेड फील करते हो, तो इसे आप यूज करें एज अ प्राइमर एंड इंस्टेंट आपको रिफ्रेश फील होगा. हाइलुरोनिक एसिड इसमें है जो आपको इंस्टेंट हाइड्रेट करेगा एंड ग्लो देगा, एक शाइन देगा अलग से. एंड इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें वाटर है, ग्लिसरीन है, बेटा ग्लूकेन है, सोडियम हाइलुरोनेट, नाइसिनामाइड एंड लाइफ लॉन्ग. गाइज इसकी 5 ईयर्स लाइफ लॉन्ग है एंड आई गेस ये बहुत होता है अगर आप यूज कर रहे हैं वंस इन अ वीक भी या डेली पर्पज पे भी यूज कर रहे हैं, तो 5 ईयर्स तो बहुत ज्यादा होता है और लाइफ लॉन्ग इसकी काफी अच्छी है. अब मैं आपको इसके अंदर की बॉटल दिखा देती हूँ जो कि बहुत ही क्यूट बॉटल है. अगर आपकी ये बॉटल खत्म भी हो जाएगी ना तो आप किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, मतलब फेंकने का मन नहीं करेगा अगर आप इस बॉटल को देखोगे तो. गाइस लुक एट दिस, आई मीन जस्ट वाओ. काफी ट्रांजिसी बॉटल है, ब्लू कलर का आपको पानी इसमें, आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी. तो गाइस यस, ये आपको एक बहुत ट्रांजिसी बॉटल मिलती है, पंप बॉटल है और ये बहुत क्यूट लगती है, मुझे पर्सनली बहुत क्यूट लगती है. इसको यूज कैसे करते, इसकी कैप हटाएंगे, पंप है शेक करेंगे एंड मैं प्राइमर एज अ प्राइमर इसको यूज कर चुकी हूँ. अब मैं अपनी तरफ से जो मैं आपको बता रही हूँ, अपनी तरफ से मैं जो आपको बता रही हूँ कि मैं इसको एज अ मेकअप फिक्सर भी यूज करती हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह से यूज कर सकते हैं. लुक एट दिस, एक इंस्टेंट शाइन आ जाती है गाइस, आपका मेकअप आपके बहुत स्मूथली बैठ जाता है और स्किन टेक्सचर बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करती है. तो आप इसको अपने प्राइमर मेकअप स्टेप में एज अ प्राइमर प्लस एज अ मेकअप फिक्सर इसे ऐड कर लीजिए. और प्राइस भी 249 रुपीज़ है गाइस, एंड 249 रुपीज़ में 100 ml की बॉटल मिलती है. मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और क्वान्टिटी इसकी इतने टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, बट स्टिल इसकी क्वान्टिटी अभी भी इतना ही कम हुआ है. और वाटर बेस है तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा वो, और जैसे कि मैंने इससे पहले भी जितने भी प्राइमर यूज़ कर रहे हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं. और वो स्मूथनेस जो शाइन आती है ना, इससे एक अलग ही आ रही है. मतलब अगर आप फोटोज़ क्लिक करेंगे तो ये खुद ही क्लेम कर रहा है कि भाई ये फोटो फिनिश ग्लो प्राइमर वाटर है. आप अगर परफेक्ट पिक्चर चाहते हैं विद ग्लो, आप अगर आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं और एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, आपकी स्किन यू नो आपको खुद ही बता देती कि आपकी स्किन टायर्ड फील कर रही है, एग्जॉस्टेड फील कर रही है, तो जस्ट कुछ नहीं करना, कैप हटानी है इसकी एंड स्प्रे कर देना है. इंस्टेंट आपको रिफ्रेश फील होगा एंड यू विल लव दिस प्रोडक्ट एंड आप यूज कर सकते हैं. एटलीस्ट यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड आई नो आपको पसंद आएगा, तो या आप कर सकते हैं. और ये मैंने खुद से ऑर्डर करा, ये कोई कोलैब नहीं आया है, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जेन्युइनली जो रिजल्ट है वो आपको बता रही हूँ. तो आप यूज करेंगे, आपको पसंद आएगा, तो अपने मेकअप रूटीन में इसे ऐड कर लीजिए, ये परफेक्ट रहेगा आपके स्किन के लिए. और आप देख सकते हैं इंस्टेंट इसमें एक अलग शाइन ऐड कर दिए मेरे फेस पे भी, एंड आई एम जस्ट लविंग दिस प्रोडक्ट. तो या दैट्स ऑल इट फॉर टुडे गाइस. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और आपको लगता है ये यूजफुल हो रही है, तो हिट द बेल आइकन जल्दी से. एंड जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, मैंने कहा था ना वीडियो को एंड में जाने के बाद आप इसे फॉरवर्ड कर दीजिए अपने लव वंस को, और जिसको लगता है कि जिन्हें मेकअप पसंद है स्पेशली, और जिन्हें नहीं भी पसंद है पर उसे पता होना चाहिए कि ये एक मेन स्टेप है आपके मेकअप रूटीन के लिए, तो ऐड कर लेना चाहिए. तो या दैट्स ऑल इट, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी.